और जानकीपुर नगर तहसील में आने वाले ग्राम पंचायत पलवा में निवास करने वाले ग्रामीण जनों ने लिखित में शिकायत और समस्या बताई थी प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष और साथ ही मांग की थी कि गांव के प्रमुख जो भी कच्ची गलियां हैं उसे पक्का किया जाए। गांव में प्रमुख जो कच्ची गलियां हैं उन्हें पक्का किया जाए। अधिकारियों ने निरीक्षण किया और फिर ग्राम पंचायत में सर्वे मौका मुआयना कर उन गली और प्रमुख रोडों को पक्का कर कीचड़ समस्या खत्म की। ग्रामीणों की अब प्रमुख गली और सड़कें बन जाने की वजह से ग्रामीणों की समस्या खत्म हो गई है। ग्रामीणों को अब प्रमुख गली और सड़क बन जाने की वजह से ग्रामीणों को समस्या का निदान हो गया है। वहीं ग्राम पंचायत में शासकीय काम के लिए आने वाले ग्रामीण परेशान न हो बैठक व्यवस्था में उसी को लेकर फर्नीचर भी कंप्लीट किया गया है ताकि ग्रामीण आसानी से बैठ सकें और शासकीय काम उनके सही तरीके से हो सके, उनकी समस्याओं को सुना जा सके और ग्राम पंचायत के माध्यम से उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके। उसी को लेकर ग्राम पंचायत पलवा में फर्नीचर का निर्माण कराया गया है। ये आप कहाँ रहते हैं? मैं सर पलवा रहता हूँ। बताइए, पहले जब रोड नहीं था तो क्या दिक्कतें आती थी, क्या समस्या आती थी? सर रोड नहीं था तो बड़ी दिक्कतें थी, हम खेत पे जाने के लिए जल्दी कोई फसल बो नहीं सकते थे। अब मर्जी पर जब बारिश में जा सकते हैं और सब्जी की खेती कर सकते हैं और पशुओं के लिए चारा लेने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया काम हुआ सर। फायदे होंगे रोड से? बहुत फायदा हुआ सर रोड से तो। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर अमृत परमार है सर। ये पलवा ग्राम पंचायत में रहते हैं? हाँ, पलवा ग्राम पंचायत में। उज्जैन जिला पंचायत CEO और उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश हैं कि सभी पंचायतें और ऑफिस शासकीय अच्छे से हों, साफ सफाई हो, बेहतर तरीके से शासकीय काम हो सके, उसको लेकर किस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है और क्या है? CEO सर के निर्देश में स्वच्छ ग्राम स्वच्छ भारत में अपना सारे शासकीय ऑफिस अच्छे से रहे और जिसमें अच्छे से काम हो सके, इसके में हमने ग्राम पंचायत को व्यवस्थित ढंग से बनाया है। फर्नीचर वगैरह साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। CEO सर के निर्देश में पंचायत डेली खुलती है हमारी, जिसमें गांव वाले को बिल्कुल तकलीफ ना आए और जब भी आए तत्काल उनका काम हो जाए, इसके लिए हम डेली पंचायत को खुलते हैं और पंचायत में पूरा व्यवस्था देखते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।